अस्सलाम वालेकुम। गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। बारिश के बाद एकदम से मेरा मोतिया जो है बड़ा होना शुरू हो गया, और अगर आपका भी ऐसा ही है जो कि आपने एक छोटी सी कटिंग से लगाया था तो कोई मसला नहीं है, जल्दी जल्दी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। इंशाल्लाह हार्ड प्रूनिंग से आपका मोतिया में बेतहाशा फ्लावर्स आएंगे, और न सिर्फ फ्लावर्स आएंगे बल्कि और ब्रांचेज भी बनेंगी। तो जी अब मैं करने लगी थी, मैंने सोचा मौका है तो मौके से फ़ायदा उठाऊं, फिर सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूं। और क्या होता है कि हम लोगों का फिर फ़ायदा हो जाता है, अगर किसी की बात हम मान लें तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। तो मैं अब ये कर रही हूं, देखिए आप, और इससे आप यकीन कीजिए हार्ड प्रूनिंग का बड़ा फ़ायदा होता है। एक दफ़ा तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि कहीं हमारा पौधा सूख ना जाए, लेकिन जब आप एक दो दफ़ा कर लेते हैं हार्ड प्रूनिंग तो फिर आप डरना छोड़ देते हैं और मज़े से हार्ड प्रूनिंग करते रहते हैं। तो ये जी थी मेरी मोतिया की हार्ड प्रूनिंग। अच्छा, इस हार्ड प्रूनिंग का मुझे बड़ा एडवांटेज होता है कि जितनी ही आप करते हैं उतनी ही ब्रांचेज आती हैं। देखिए यहाँ बहुत पहले मैंने की थी तो दो तीन ब्रांचेज आप दिख रही होंगी है, और अब मैंने ये सारा कर दिया है अपने पेड़ को बिल्कुल ही इस तरह से, क्या कहना चाहिए इसको, ना डरना है ना घबराना है। जब आप इस तरह से पौधे की कर देते हैं सारी हार्ड प्रूनिंग, तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आपका जो पौधा है बहुत खूबसूरत हो जाता है और फ्लावर्स से भर जाता है। तो आप भी इस तरह कीजिए। ये 12 इंच के पॉट में है, मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल मैंने डाली हुई है। हर साल में एक दफ़ा ही फर्टिलाइज करती हूँ, करना दो दफ़ा चाहिए लेकिन मैं एक दफ़ा करती हूँ। तो जी ये देखिए आप, और आप भी फ़ायदा उठाइए बरसात के मौसम का। बरसात के मौसम का फ़ायदे में हार्ड प्रूनिंग बहुत फ़ायदा देती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आप फ्लावर्स चाहते हैं तो हार्ड प्रूनिंग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।